12 चेयर्स हैं फर्स्ट क्लास वाली बस में। फाइनली बोर्ड कर रहे हैं प्राइवेट लाउंज से फ्लाइट को पहली बार लाइफ में। देखो कोई लाइन आइन नहीं है, डेड एंड तक लाउंज ही लाउंज है। इतना बड़ा लाउंज फर्स्ट क्लास के लिए। और ये क्या क्या आ गया भाई, फटाफट इसको खाना पड़ेगा। Welcome to another vlog. This is one of the most Al-Safa Lounge. Yeah. May I request your boarding pass, please? Yeah, sure. Yes, sir. Welcome. Please proceed. Thank you. ये है one of the most special vlog in the history of Harry's vlogs. We are traveling in Qatar Airways first class from Doha to Dubai, and ये legit first class है. तो व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना। मैं आ चुका हूँ अल-सफा लाउंज। अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। मेरी फ्लाइट की बोर्डिंग होगी वो लाउंज के अंदर से होगी। जस्ट इमेजिन, ऐसा पहली बार होगा कि मैं लाउंज के अंदर से बोर्ड करूँगा। फर्स्ट क्लास लाउंज है भाई, मैं अपनी लाइफ में पहली बार आ रहा हूँ। इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। एंड दीज आर दी वर्क स्टेशंस। इनसाइड ऑफ अ बार वी डू हैव अ स्मोकिंग लाउंज। ओके। वी डू हैव अ मेल एंड फीमेल वॉशरूम। कमिंग टू दिस साइड वी डू हैव सम रिक्लाइनिंग चेयर्स इन केस यू वांट टू टेक। इतना कुछ है बताने को कि मैं क्या बताऊं। यहाँ पे आला कार्ते सिस्टम ही है, यहाँ पे बुफे सिस्टम नहीं है। मीडिया एरिया है, पर्सनल रूम्स हैं। अगर आपका लेओवर 4 घंटे से ऊपर है तो यहाँ पे आप रूम ले सकते हो फॉर फ्री विथ प्रॉपर बेड। यहाँ पे टी एरिया अलग है जहाँ पे ओपन में आप चाय पी सकते हो, क्योंकि अभी रमजान चल रहा है तो आई थिंक ओपन में ड्रिंक वगैरह शायद अलाउड है कि नहीं, मुझे नहीं पता। बट फॉर्चुनेटली जो मेरी फ्लाइट है दैट वुड बी बोर्डिंग फ्रॉम दिस बोर्डिंग गेट। फर्स्ट क्लास लाउंज से ही मेरी फ्लाइट बोर्ड करेगी एंड इट वुड बी सम हेक ऑफ एन एक्सपीरियंस। ये है आला कार्ते एरिया, तो मैंने अपना बैग यहीं पर रख दिया है। मेन्यू मैं आपको दिखाऊँगा थोड़ी देर में। इन केस इफ़ यू आर वंडरिंग मेन्यू में क्या क्या है, देखते रह जाओगे, लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। तो ब्रेकफास्ट में ये मेन्यू है आपके सामने, दिस इज़ फॉर लंच एंड डिनर एंड दिस इज़ आफ्टरनून टी। तो इसमें से हम कुछ भी ऑर्डर करेंगे एंड आई लेट यू नो कैसा है। आई थिंक कुछ लाइट ही लूँगा। जब तक हमारा स्क्रैम्बल्ड एग आता है मैं आपको पूरा टूर देता हूँ। ये देखो, ये रहा आला कार्ते एरिया, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये लाउंज कितना बड़ा है। एंड यहाँ पे भी यू कैन ऑर्डर शैम्पेन ड्रिंक्स और यहाँ पे आप आराम से चिल कर सकते हो। और सामने है टॉयलेट्स। लुक एट दिस फाउंटेन, मतलब इतना यूनिक फाउंटेन है और पूरा ट्रांसपेरेंट है। ऐसा लग रहा है भाई, मतलब पानी ऐसे हवा में बिना ग्रेविटी के गिर रहा है। ये है मीडिया रूम, लाउंज के अंदर मीडिया रूम भी है। लेट मी सी इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे बैठ के आप प्रॉपर टीवी देख सकते हो खाते खाते। अब दिखाता हूँ आपको प्रेयर रूम। अब आप लाउंज का साइज देखो, वो देख रहे हो स्ट्रेट डेड एंड, वहाँ पे आला कार्ते सर्विसेज है, बुफे है ही नहीं। देखो यही तो होता है मेन, ठीक है। ये है प्रेयर रूम। अगर आपको वैसे खरीदना है अल-सफा लाउंज का एक्सेस तो आपको पड़ेगा लगभग 14,000 रुपए का। और अंदर देखो ये दूसरा फाउंटेन है, पहला फाउंटेन तो आपने देख लिया ना, इतना ऑसम लग रहा है। यहाँ पे ये सब चीजें रखी हुई है। आगे है स्पा एरिया, ठीक है। अब ये स्पा जो है चार्जेबल है, अंदर जाके क्वाइट एरिया भी है जहाँ पे आपको रूम्स वगैरह मिल जाएंगे अगर आपका लेओवर 4 घंटे से ऊपर है। दैट टू फॉर फ्री, डेड एंड तक लाउंज ही लाउंज है। इतना बड़ा लाउंज फर्स्ट क्लास के लिए, मैं तो बता रहा हूँ इतने बड़े एयरपोर्ट भी नहीं होते, इतना बड़ा लाउंज है। एंड देन वी हैव गेमिंग रूम, पेरेंट्स रूम, अगर बच्चे हैं उनको, अगर होता है ना भाई बच्चों को चुल ज़्यादा होती है, यहाँ पे आके वो गेम्स खेल सकते हैं। पेरेंट्स रूम भी है तो बच्चे शांत रहेंगे। वो डेड एंड तक देखो, वहाँ तक है ये लाउंज एंड इट इज़ एब्सोल्युटली मैसिव। स्क्रैम्बल्ड एग मैंने ऑर्डर किया, मैंने योगर्ट भी ऑर्डर कर दी। योगर्ट मतलब मेन्यू में थी भी नहीं तो भी मतलब उन्होंने बोला ठीक है हम कहीं से भी अरेंज करेंगे। एंड इतना सारा स्टाफ है यहाँ पे, लाइक एवरीबडी इज़ लुकिंग आफ्टर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, दे मेक श्योर कि भाई बंदा नाराज होके ना जाए। दिस इज़ हॉस्पिटैलिटी एट इट्स एक्सट्रीम लेवल। वाओ, ये भी मिनी आला कार्ते एरिया है, लेकिन यहाँ पे सैंडविचेस और स्नैक्स वगैरह सर्व होते हैं। यहाँ पे भी आला कार्ते हैं तो यहाँ पे, लेकिन अगर आप ऑर्डर करोगे ना तो सैंडविचेस स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे भी एप्पल्स हो गए या फिर ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, अगर हल्का फुल्का खाना है तो यहाँ बैठ जाओ। जहाँ मैं बैठा हूँ यू विल गेट एवरी थिंग, दिस विल बी आर बोर्डिंग एरिया। पूरा व्लॉग एंड तक देखना। स्क्रैम्बल्ड एग्स कमिंग, स्क्रैम्बल्ड एग्स। बट मैंने योगर्ट मंगाई थी तो उन्होंने मुझसे पूछा दैट कैन वी कस्टमाइज इट इन अ पर्टिकुलर वे। मैंने बोला भाई आपको जैसा बनाना है बनाओ, बट गिव योर बेस्ट शॉट ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बता सकूं। ये योगर्ट है, इसको रखते हैं एंड स्क्रैम्बल्ड एग जो है अभी आ रहा है एंड साथ में शैम्पेन। इसका ब्रांड मैं देख नहीं पाया कौन सी थी, बट आई एम श्योर इट वुड बी वेरी गुड। तो हमारा
ब्रेकफास्ट आ चुका है. दिस इज स्क्रैम्बल्ड एग, दीज आर द योगर्ट्स, ये रही शैंपेन, एंड जितना चाहो उतना खाओ. इट इज आला कार्ते. एंड मैंने जब बिजनेस क्लास लाउंज में गया था थाईलैंड में, फर्स्ट क्लास लाउंज में गया था एमिरेट्स के, तो उसमें बिजनेस और फर्स्ट मिक्स था. बट दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स. एंड लुक एट दिस, बहुत ही कमाल का टेस्ट है. एंड द ब्रेड इज अनदर लेवल. एफर्ट ही नहीं लग रहा है इसमें इसको तोड़ने के लिए, इट्स दैट फ्रेश. ट्राई करता हूँ ये एक बार ज़रा योगर्ट. भाई ये भी बहुत कमाल का लग रहा है. योगर्ट में स्ट्रॉबेरी जैम मिला दिया, और ये जैम ऐसी वैसी नहीं है, मैं चंक्स देख सकता हूँ स्ट्रॉबेरी के. इट इज़ दैट ओरिजिनल. स्क्रैम्बल्ड एग भी काफ़ी बढ़िया है, हालांकि सॉल्ट और पेपर ले आते तो इसको थोड़ा मैं और अच्छा बना लेता, बट इट्स वेरी हेल्दी, वेरी गुड एंड वेरी लाइट ब्रेकफास्ट. तो इसको ख़त्म करते हैं, देर में आपसे मिलता हूँ. ब्रेकफास्ट इज डन फाइनली, एंड अब पीते हैं भाई चाय कॉफ़ी. एंड मुझे एक जगह दिख गई है, ऑफ कोर्स वहीं बैठूंगा. रेस्टोरेंट में आके बैठ गया हूँ. तो पहले मैं बार में बैठा हुआ था, जगह नहीं थी. आपको लगेगा जैसे आप कोई ताज या ओबरॉय में बैठे हो, और आला कार्ते मेन्यू का ऑप्शन है आपके पास, और चीज़ें आपके टेबल पे आ जाएगी. अब बहुत ही कम ऐसा होता है. मैंने इंडिया में भी ना, मतलब जितने भी आपको लाउंज मिलेंगे फ्री में, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे बिजनेस क्लास के साथ या फर्स्ट क्लास के साथ भी, कभी भी आला कार्ते नहीं होता है. मैंने एमिरेट्स में भी, आपको पता होगा जब मैंने बैंकॉक से किया था, तो भी आला कार्ते नहीं था. आला कार्ते मतलब समझो आप एक्सट्रीम लग्जरी हो गई, क्योंकि फर्स्ट क्लास बहुत एक्सपेंसिव टिकट्स होती हैं, बहुत एक्सट्रीम में, तो सर्विसेज भी वैसी मिलेंगी. यहाँ पे सॉल्ट एंड पेपर दिया हुआ है. अगर जैसे आप आओ ना यहाँ पे, तो बस स्कैन करना, मेन्यू खुल जाएगा, एंड कोई ना कोई आपके पास आएगा, एंड देन यू कैन गिव द ऑर्डर, प्लेस द ऑर्डर. और यहाँ पे 24/7 आपको कोई ना कोई क्रू या फिर कोई ना कोई आके आपसे पूछते रहेंगे, भाई कुछ चाहिए करके. दिस इज द टेबल, ये एक टेबल है. यहाँ तक भी अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना प्लीज़. इतना खुला मनाया ना लाउंज कि मतलब कंजस्टेड तो बिल्कुल ही नहीं है. हालांकि वैसे भी फर्स्ट क्लास लाउंज कंजस्टेड नहीं होगा, बट स्टिल इतना खुला बनाया है, इट्स लाइक वेरी इजी टू मूव एनीवेयर. यहाँ पे अपन पियेंगे कॉफ़ी, और यहीं से देखो बोर्डिंग है. देख रहे हो आप, यहीं से बोर्डिंग है फ्लाइट की. वो मतलब कोई भी नहीं है लाइन पे, सीधा कॉफ़ी पी के सीधा फ्लाइट के अंदर चढ़ो. और आज मतलब थोड़ा सा, मतलब मैं एक लक हो गया बेसिकली कि आज यहाँ से फ्लाइट है, बोर्डिंग गेट. यूजली पता नहीं होता है कि नहीं, बट आज तो है. दैट्स अ कॉफ़ी, कैपेचिनो विद डबल एक्सप्रेसो शॉट, क्योंकि भाई थोड़ी नींद खोलनी पड़ेगी, अभी आप लोगों के लिए व्लॉग बना पाऊँगा. सारी डिशेज के साथ, चाहे वो कॉफ़ी लाएँ ये लोग या फिर खाना लाएँ, ये रिफ्रेशिंग टॉवल ज़रूर देते हैं. तो आई थिंक आई विल बी यूजिंग इट नाउ. एंड देखो कुछ कुछ पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं दुबई की फ्लाइट के लिए. अगली फ्लाइट हमारी है, बस कॉफ़ी पी के विल बोर्ड द फ्लाइट. अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है दोहा से, तो कतर एयरवेज विल मेक श्योर कि आपका जो लेवर हो वो कम से कम हो, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तब यहाँ पे सर्विसेज बहुत महंगी है, और कतर एयरवेज को डबल पड़ जाएगा खर्चा. तो इसलिए मेक श्योर करता है कि 2-3 घंटे का ही लेओवर हो. उससे ज़्यादा अगर हुआ तो फ्लाइट का फेयर 4x 5x हो जाता है, क्योंकि फिर आपको भाई बेडरूम भी फ्री मिल जाएगा सोने को, है ना. ये मत पूछना मैंने फ्लाइट कितने में बुक की, मुझे पसंद नहीं है बताना. आप खुद गूगल कर सकते हो बैंगलोर से दोहा, दोहा से दुबई कितने की फ़्लाइट है. बता के कुछ फ़ायदा नहीं है. थैंक यू सो मच, लेकिन आपके प्यार, आपके सपोर्ट, आपकी दुआओं से आज मैं आपको ये एक्सपीरियंस भी दिखा पा रहा हूँ. थैंक यू. बोर्ड कर रहे हैं प्राइवेट लाउंज से फ्लाइट को पहली बार लाइफ में. देखो कोई लाइन आइन नहीं है, तो ये लिफ्ट आई है, पीछे कोई नहीं है, अकेला मैं ही बोर्ड कर रहा हूँ. ये देखो भाई क्या एक्सपीरियंस चाहिए आपको, बस देखो यार, ऐसा लग रहा है भाई कोई, मतलब वो पिक्चरों में देखते हैं ना अपन, लेमोजीन. तो इस लेमोजीन में बैठते हैं, चलते हैं दुबई. हमारी सीट है 3K, विंडो सीट ही मैंने बोली थी. तो ऑनलाइन चेक इन करते वक्त मैं विंडो सीट नहीं ले पा रहा था फॉर सम रीज़न. काउंटर में जब मैं गया बोर्डिंग पास लेने, तब मैंने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने विंडो सीट दे दी. 12 चेयर्स हैं फर्स्ट क्लास वाली बस में. एसी बहुत तगड़ा चल रहा है अभी फिलहाल. आपको पता है जैसे दोहा में बहुत गर्मी पड़ती है, यहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था, तो यूजुअली वर्ल्ड कप मई में होता है आपको पता होगा, लेकिन जब कतर में वर्ल्ड कप हुआ तो वो सितंबर अक्टूबर तक चला गया. उसका रीज़न यही था क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है और प्लेयर्स के लिए खेलना इम्पॉसिबल हो जाता. इनफैक्ट जब सितंबर में भी यहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ, एसी जो है लगवाए गए थे स्टेडियम्स के अंदर. तो कतर का स्टेडियम आपको याद होगा बहुत सुंदर था. तो अभी कुछ महीने तक तो कतर एयरवेज की फ्लाइट्स में ब्रांडिंग लगी हुई थी फीफा
फीफा वर्ल्ड कप की, लेकिन अभी अभी हटा दी उन्होंने। मे बी फीफा ने बोला वो कॉपीराइट बोला वो फीफा ने कि भैया आप हमारा नाम अब मत यूज़ करो, वर्ल्ड कप खत्म हो गया है करके। बहुत ही ज़बरदस्त वर्ल्ड कप था, आपको पता है। एक और फैक्ट बताता हूँ कि कतर और दुबई में एसी का टेम्परेचर 12 डिग्री तक जाता है, मतलब तो ये ऐसा बहुत कम होता है, इंडिया में 16 ही है मिनिमम। फाइनली बोर्डिंग द फ्लाइट। फाइनली बैठ गए, मेरी सीट है 3K एंड द इंटीरियर इज़ आउटस्टैंडिंग। तो ये कुछ इंटीरियर है, मैसिव लेग स्पेस, ये है हमारा ट्रे टेबल एंड द स्क्रीन इज़ अमेजिंग, दीज पिलोज आर रियली रियली इम्प्रेसिव। यहाँ पे IFE रिमोट कंट्रोलर है, USB पोर्ट है, इंटरनेशनल अडाप्टर है, 1, 2, 3, 4, 5 भाई 10 ऑप्शन है आपकी सीट को। आई वुड हैव ऑरेंज जूस, सो जस्ट हैव अ क्विक स्नैक, दैट्स इट, नथिंग मच। तो ये हमको मेन्यू कार्ड मिला है, हालांकि हमारी फ्लाइट 1.5 घंटे की है तो भी हमको मेन्यू कार्ड दिया है। देखो ब्रेकफास्ट प्लेटर है, ऑरेंज जूस, ग्रीक योगर्ट, मैंने ना वेज ऑप्शन लिया है, ये क्रीम चीज़, वॉलनट्स ये लिया है मैंने, और साथ में ऑरेंज जूस भाई, ठीक है ना। कॉफ़ी और शैम्पेन हो गई भाई बहुत सारी। हॉट बेवरेजेस में टी के ऑप्शन है, कड़क चाय, कॉफ़ी, मतलब देखो डिज़ाइन देखो यार इनके मेन्यू का, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। ये पूरा फ्लैट बेड हो जाता है, मतलब जो बगल वाला कैबिन है वो और ये वाला जो मेरे सामने देख रहे हो, इट बिकम्स वन, तो वो कपल के लिए हो जाता है बेसिकली। ये कुछ बहुत ही यूनिक फीचर है कतर एयरवेज के फर्स्ट क्लास का, ये पूरा फ्लैट बेड हो जाएगा, बगल वाला भी हो जाएगा पूरा फ्लैट बेड, और जो बीच में ये जो प्राइवेसी के लिए दिया है ये हट जाता है। रूम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एट 40,000 feet। हमारा ये ऑरेंज जूस आ चुका है, तो ऑरेंज जूस पीते हैं, मज़ा आ गई भाई। देखो अभी ये वाली फ्लाइट जो है ना थोड़ी छोटी है, तो अभी इन लोग क्या कर रहे हैं, टेक ऑफ से पहले ही मेरे से ऑर्डर ले लिया, तो जो वेज का ऑप्शन था मैंने ऑर्डर दे दिया, ताकि आपको मैं एक बार बता भी पाऊँ भाई टेस्ट वगैरह कैसा है क्या है। जैसी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी वैसे ही खाना आ जाएगा, साथ में मैंने स्पार्कलिंग वाटर लिया है। ऐसा होगा ना कि हर 15-20-25 मिनट में कोई ना कोई आएगा आपसे पूछने की हाउस एक्सपीरियंस, लाइक सब कुछ बढ़िया है कि नहीं। तो क्रू तो आई है मेरे पास ऑफकोर्स, और पायलट, आई थिंक पायलट या को पायलट, ही ऑल्सो केम टू ग्रीट अस एंड यू नो कि ही आस्क दैट इज एवरीथिंग ओके ऑन ऑट। बहुत भाई हॉस्पिटैलिटी ही होती है मेन। देखो इंटीरियर तो समय के साथ फेड अप हो ही जाता है, फिर नया एयरक्राफ्ट ऑर्डर करो, फिर आने में 10-15 साल लग जाते हैं, आपको पता है कि अभी आई थिंक एयरबस पे ज़्यादा बर्डन हो चुका है। इट्स ऑल अबाउट सर्विसेज, मैं फिर बोलूँगा। तो अगर बात करूँ मैं कतर की करेंसी की, तो इट्स कतरी रियाल। पहले भी मैंने यहाँ से ट्रांजिट लिया था, मैं हालांकि कतर गया नहीं, जाऊँगा ज़रूर। आपने देखा होगा जब मैंने डेल्टा का किया था एयर इंडिया, तो उसमें टेक ऑफ के बाद ही दरवाज़ा बंद हो रहा था। इवन जो इंडिया एयर इंडिया का नया A350 आया उसमें भी है, लेकिन कतर एयरवेज में ऐसा नहीं है। कतर एयरवेज में आप टेक ऑफ के पहले भी इसको बंद कर सकते हो, तो ये मुझे मतलब बढ़िया ही चीज़ लगी। और पूरा कॉन्ट्रास्ट देख लो भाई इसका, मतलब क्वालिटी है वो भी बहुत टॉप नॉच है। दीज आर द रीडिंग लैंप्स। And we'll be cruising at an altitude of 21,000 feet. However, in the interest of safety, we'd like to request that you remain seated in a... अरेबिक कॉफ़ी मेरी फेवरेट है, मैं बताया दुबई स्पेशली ट्रैवल कर सकता हूँ फॉर द अरेबिक कॉफ़ी। इसको हम बंद कर लेते हैं। एमिरेट्स फर्स्ट क्लास में भी लाए थे अरेबिक कॉफ़ी, लेकिन मैं पी नहीं पाया था, आपको याद होगा जब हांगकॉन्ग जाते वक्त। अभी जो है भाई पी लूँगा, वैसे तो सभी कुछ मिक्स हो गया है अंदर, ठीक है अभी कभी तो बढ़िया है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे सबको पता है कि मैं अभी क्या ट्रैवल अवेल कर रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं पता। और पता है मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, सब कहते हैं हैरी भाई मैं तो आपको यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ। अरे इतने सारे भाई इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ यार, फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मैं चाहूँ तो रील डाल के ना बढ़वा लूँ ऐसे ही फॉलोअर्स, लेकिन मुझे ना आपसे जो कनेक्शन है, कनेक्शन वाले लोग चाहिए मुझे लाइफ में ना, इसलिए फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है। बहुत ही मिंट जैसा फ्लेवर है अरेबिक कॉफ़ी का, खट्टी मतलब नहीं है जैसे नॉर्मल कॉफीज होती है ना, कौड़ी कौड़ी नहीं है, मिंट वाला फ्लेवर है, बस रिफ्रेशिंग फ्लेवर है, लव्ड नो डाउट। बट हाँ आप बोलोगे भाई तुम ऑरेंज जूस के बाद कॉफ़ी पी रहे हो, यार देखो आप लोगों को तो बताना पड़ेगा ना टेस्ट कैसा है, मैं क्या करूँ बताओ भाई। ये कतर का जो स्टेडियम है ना यहीं पर वर्ल्ड कप हुआ था, आपको याद होगा। रेयर
मैं बैठा हूँ। कतर एयरवेज में ना ये यूनिक फीचर है, फ्लाइट उड़ रही है इस तरफ लेकिन मेरा डायरेक्शन है इस तरफ। बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जिसके साथ ऐसा ही है, कतर एयरवेज में ही होता है ये बेसिकली। अगर आप सोच रहे हो ना भाई हेडेक तो नहीं होगा जैसे ट्रेन में हेडेक होता है अगर ट्रेन उल्टी चले तो नहीं होता है गाइस, क्योंकि हवा में आने के बाद सब बराबर ही दिखता है। स्विस कैनाल भी जो है वो इजिप्ट के पास है, आपको पता होगा, जहाँ से वर्ल्ड का पूरा ट्रेड होता है बेसिकली। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इनफैक्ट सऊदी से सबसे ज़्यादा ऑयल जो है एक्सपोर्ट होता है टू US। को प्रेस करोगे ना ये बाहर आ जाएगा। काफ़ी डिफरेंट तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। ये जो मेरे लेफ्ट में देख रहे हो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये नीचे हो जाएगा, अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो इसको मैं ऐसे ऊपर भी कर सकता हूँ। इसके अंदर क्या क्या है, हेडफोन है, पानी है और वॉमिट बैग है। चाहो तो इसके अंदर अपना सामान डाल सकते हो, बट रिस्की रहता है बिकॉज जनरली लोग भूल जाते हैं सामान वापस कैरी करना। और ये क्या क्या आ गया, फटाफट इसको खाना पड़ेगा। ये कीवी है, दिस इज स्ट्रॉबेरी, चेदार चीज़, ये मुझे हमस लग रही है, वॉलनट्स हैं, एंड लुक एट दिस ब्रेड। मैं इस मील का नाम भूल गया, तो आप लोग ना वो मेन्यू पॉज करके देख सकते हो। आई फील जो वेज वाली थी मैंने वही मंगवाई है। एक एक करके ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बहुत डिलीशियस लग रही है, पता नहीं भाई कुछ अलग ही चीज़ है, एंड आई फील इट्स आइसक्रीम कमाल की लग रही है भाई, ट्राई करता हूँ इसको। आइसक्रीम नहीं है, योगर्ट है विद स्ट्रॉबेरी, डिलीशियस कमाल ही लग रहा है ये। ट्राई दिस, स्वीट फ्लेवर है बहुत, इतना टेस्टी है कि भाई मैं दो बाइट ऑलरेडी ले चुका हूँ। देखते हैं ये क्या है, चीज़ है, खट्टा टेस्ट है इसका। फटाफट इसको ना इसके साथ मिलाते हैं। भाई जब ये स्पार्कलिंग वाटर है जो मैंने मंगवाया था, कंप्लीट प्राइवेसी। ट्राई करता हूँ ये वॉलनट्स भाई, चीज़ और ये ब्रेड का भाई बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, मज़ा आ गई। फ्रूट्स भी बढ़िया है। देखो 50 मिनट की फ्लाइट के हिसाब से ना जो ये खाना दिया है ना एकदम चुम्बेश्वर है, लाइक मतलब इतने शॉर्ट सेक्टर में भी इतना खाना पीना हो गया। दोहा से दुबई बुक करते हो फर्स्ट क्लास, बहुत महंगा आएगा। अगर ट्रांजिट ले रहे हो दोहा से तो फिर भी मतलब वर्थ लगेगा आपको, लेकिन वैसे अगर आप सिर्फ दोहा से दुबई ले रहे हो ना, इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव। हाय, दिस इज़ रिफ्रेशिंग टावल। ये तो मेरे पास कम से कम 5-6 हो गए हैं, मैंने अपने पास बैग में रख लिए, 2-3 दिन तक यूज़ करता रहूँगा। फाइनली दुबई आ गए। अब देखो भाई सबसे पता बेस्ट चीज़ क्या होती है, प्लेन को लैंड हुए 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे ना, एरो ब्रिज मिल जाता है, ठीक है ना। इंडिया में क्या होता है कई बार पता है, एक एक घंटा आधा आधे घंटा लटका रहता है, प्लेन घूमता रहता है। इमिग्रेशन इज डन और सिम दे देते हैं, आपको पता है हर बार कोई सेंस नहीं है, मैं तो बोलूँगा इंडिया से खरीद के ही लाओ, यहाँ पे आके इंस्टॉल करोगे। वैसे भी आजकल आईफोन बिना सिम स्लॉट के आ रहे हैं, ई सिम्स मिल रही हैं। मैं जा रहा हूँ मेट्रो में, कैब में लग रहे हैं 1500 रुपये मेरे होटल के लिए। अब मेरे लिए दुबई घूमना तो बहुत ईजी है, चाइना में जो आदमी सर्वाइव कर गया ही कैन ईजिली सर्वाइव इन दुबई। बस दुबई में तो व्हाट्सअप में फ़ोन नहीं लगता, बाकी एवरीथिंग गूगल एंड ऑल सब कुछ बहुत बढ़िया है इधर, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आराम से मेट्रो से जाएंगे, मेट्रो से 300 मीटर दूर है मेरा होटल, बट ठीक है 300 मीटर चल सकते हैं। 1500 रुपये देना 15 किलोमीटर के लिए, नहीं, नॉट वर्थ। को याद है पिछले साल जब मैं शायद पहली बार दुबई आया था तो एकदम भटक गया था, मेट्रो से ही गया था वापस मैं अपने होटल, बट भटक गया था एकदम। बट एक साल में मैंने इतना ट्रैवल कर लिया ना कि अब पूरा मतलब एक्सपीरियंस टाइप का हो गया कि कैसा क्या करना है, क्योंकि ऐसी ऐसी कंट्रीज में अब मैं हो आया हूँ जो मतलब सर्वाइव करनी बहुत डिफ़िकल्ट है, जैसे कि ऑफकोर्स चाइना उसमें से एक है। तो अभी मैं 114 रुपये में पहुँच जाऊँगा और वहाँ 1500 रुपये मेरे लग रहे थे। तो मेट्रो भाई मतलब बहुत कन्वीनियंट है दुबई में घूमने के लिए, कैब्स बहुत एक्सपेंसिव है, जब तक कुछ इमरजेंसी ना हो कैब मत ही लेना।